हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जानकारी चैनल। जानकारी चैनल में आज हम बात करेंगे सिंगिंग और म्यूज़िक के बारे में। अगर आप भी मेरी तरह सिंगिंग का शौक़ रखते हैं और घर पर बिल्कुल रिकॉर्डिंग स्टूडियो जैसा गाना रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, अपने गाने की रिकॉर्डिंग करने के लिए प्ले स्टोर पर दो ऐप्स अवेलेबल हैं, जिसमें से पहली ऐप है स्टार मेकर, जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इसके अलावा एक सेकंड ऐप है सम्यूल, ये भी अच्छी ऐप है। लेकिन आज हम जानेंगे स्टार मेकर ऐप के बारे में। सो फ्रेंड्स, प्ले स्टोर पर आपको सर्च करना है स्टार मेकर, STARMAKER, और आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है यानी इंस्टॉल करना है। तो देखिए, जैसे ही स्टार मेकर ऐप इंस्टॉल हो जाएगी, इसके बाद हम इसे ओपन करेंगे। वेलकम स्क्रीन आने के बाद आपको इसमें अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, जिसमें भी आप गाना गाना चाहते हैं। जैसे मैं हिंदी सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो इसके बाद एक ये प्रमोशनल स्क्रीन आती है, जहाँ पर आप अपनी पसंद के स्टार के साथ गाना गा सकते हैं, ड्यूट गा सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और अगर आप मान लीजिए अपनी पसंद का गाना गाना चाहते हैं, तो आपको इसको ऊपर से, सबसे ऊपर देखिए क्रॉस का बटन है, वहाँ से आपको इसको क्लोज करना है। तो क्लोज करने के बाद एक डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा, और यहाँ पर सबसे टॉप पर एक सर्च बॉक्स है, जहाँ पर आप अपनी पसंद का गाना सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं गाना गाना चाहता हूँ आँखों की गुस्ताखियाँ, जो कि कुमार सानू जी का गाना गाया हुआ है, तो मैं इसे सर्च कर रहा हूँ आँखों की गुस्ताखियाँ। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे आप सर्च करेंगे सबसे टॉप पर ये आप गाना सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम इसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर बहुत से ऑप्शंस आएंगे, तो आपको एक कोई भी एक ऑप्शन इसमें सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ये स्क्रीन आएगी। इस स्क्रीन पर आपको सिंग बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप सिंग पर क्लिक करेंगे, आपसे परमिशंस के लिए पूछा जाएगा, कैमरा परमिशन, रिकॉर्डिंग और स्टोरेज परमिशन। तो आपको कंटिन्यू करना है, ओके क्लिक करना है। तो फर्स्ट परमिशन आपको देनी है, जो इसमें अलाउ करना है पिक्चर और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, सेकंड ऑडियो के लिए, और थर्ड इसमें फाइल के लिए, फाइल सेविंग के लिए। तो कंटिन्यू करने के बाद गाना जैसे ही लोड होगा, जैसे आप देख पा रहे हैं परसेंटेज में 100% जैसे ही हो जाएगा, तो गाना रिकॉर्डिंग के लिए रेडी हो जाएगा। तो जैसे कि गाना डाउनलोड हो चुका है, अब हमें स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है और गाना स्टार्ट करना है। तो आप सुन पा रहे होंगे जैसे कि म्यूजिक स्टार्ट हो चुका है। अब मैं आपको एक लाइन गाकर दिखाऊंगा। ये कुमार सानू जी का गाना है, मेरा बेहतरीन, बहुत ही पसंदीदा गाना है। और मुझे उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगता होगा। आंखों की गुस्ताखियां माफ हो। तो देखिए, एक लाइन मैंने गाई है, अभी हम स्टॉप करते हैं। आपको इस टिक मार्क बटन पर क्लिक करना है और यहां पर आपको यस पर क्लिक करना है। तो यस करने के बाद ये स्क्रीन आप देख पाएंगे, इसमें आप गाने का टाइटल लिख सकते हैं, हैशटैग भी लगा सकते हैं, जैसे हैश कुमार सानू हैश, ये भी आप लगा सकते हैं, गाने का नाम लिख सकते हैं। और इसमें आप कुछ इफ़ेक्ट्स भी लगा सकते हैं, जैसे कस्टम इफ़ेक्ट्स हैं, हॉल, थिएटर, कैरोके, काफ़ी इफ़ेक्ट्स हैं इसमें। इसके अलावा इक्वलाइज़र भी हैं हमारे पास, इसमें बहुत से ऑप्शन हैं, कस्टम इक्वलाइज़र भी हैं और अदर इक्वलाइज़र भी हैं, पॉप, जैज़, काफ़ी सारे हैं। और थर्ड है हमारे पास वॉल्यूम ऑप्शन, आप म्यूज़िक के वॉल्यूम को कम कर सकते हैं, वॉइस को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ आप अपने मनपसंद इफ़ेक्ट्स लगाने के बाद अपने गाने को प्ले करके देख सकते हैं। गुस्ताखियां माफ हो।
तो दोस्तों, अपने गाने को सुनने के बाद अगर आपको अभी भी लगता है कि आपको इसे पब्लिश नहीं करना है, तो ऊपर दिए गए बटन पर आपको क्लिक करना है, और जिससे कि आपके अकाउंट में सेव हो जाएगा, पब्लिश नहीं होगा। और अगर आप चाहते हैं कि हाँ, आपको अपने गाना पब्लिश करना है ताकि अदर यूज़र आपके गाने को सर्च कर पाएँ और सुन पाएँ, तो इसके लिए आपको नीचे दिए गए पोस्ट बटन पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस पोस्ट बटन पर क्लिक करते हैं, ये आपके सामने एक स्क्रीन आएगी जिसमें आपको फेसबुक गूगल से लॉगिन करना है। पोस्ट करने के बाद आप अपने सामने ये स्क्रीन देख पाएंगे, और इस स्क्रीन से आप अपने गाने को सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, या इस गाने को रीपोस्ट भी कर सकते हैं, और या फिर आप इसे लिंक के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए जानकारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।